प्रकाश की गति से यात्रा करना हमारे लिए असंभव है, लेकिन मान लो अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो हमें क्या क्या दिख सकता है। साइंस की कैलकुलेशन परफेक्ट होते हैं। हम ब्लैक होल की खोज से ये जान पाए थे कि ब्लैक होल होते हैं और कैसे दिखते हैं, और हमने रियल ब्लैक होल को खोज भी निकाला और वो वैसा ही था जैसा हमने सोचा था। और ऐसे ही कैलकुलेशन के आधार पर हम आज ये जान पाए हैं कि अगर हम प्रकाश की गति से सफर करें तो हमें अंतरिक्ष में क्या क्या दिखेंगे। इस वीडियो में आप दो चीज देख पाओगे, एक तो हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो हमें क्या दिखेगा, और दूसरा कि अगर हम किसी तरह प्रकाश से ज्यादा तेज से अंतरिक्ष में सफर कर पाए तो हमें क्या दिखाई देगा। जब हम प्रकाश की गति से चलने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमारी देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, हमारे विजन का व्यू थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, हम जो अभी देख रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा चौड़ा दिखाई देने लगेगा। उसके बाद हमें ये एक्सपीरियंस होगा कि ब्रह्मांड हमसे दूर जा रहा है और हमें यूनिवर्स का कलर ब्लूइस्ट दिखेगा, और फिर अचानक से एक सफेद प्रकाश, फिर उसके बाद सब कुछ गायब हो जाएगा, कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बचेगा, यहाँ तक कि समय भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस स्थिति में समय भी रुक जाएगा। तो चलिए हम आपके सामने रूबरू बताकर दिखाते हैं। हम पृथ्वी से शुरुआत करेंगे और अवकाशी पिंडों तक आपको टाइम लैप्स स्पीड से ले जाएंगे, लेकिन आपको जो व्यू दिखेगा वो स्पीड ऑफ लाइट का होगा। तो ये है हमारा चांद और हम जा रहे हैं उसकी ओर लाइट की स्पीड, और ये नजारा बस एक सेकंड में खत्म हो जाएगा और हम पहुंच जाएंगे चांद पे। अब हम चलते हैं सूरज की ओर प्रकाश की स्पीड से, और करीब 8 मिनट 20 सेकंड बाद ये व्हाइट स्पॉट आपके आंखों के सामने से हट जाएगा और आप सूरज तक पहुंच जाओगे। अब चलते हैं अल्फा सेंटुरी स्टार सिस्टम पर। पृथ्वी से निकलने के बाद आपको बिल्कुल वैसा ही वही नजारा दिखेगा और आपके सामने से वो सफेदा करीब 4.5 साल बाद हट जाएगा। फिर आप पहुंच जाओगे अल्फा सेंटुरी पर। आपने इन सभी तस्वीरों में एक चीज नोटिस किया होगा कि जब हम पृथ्वी से निकलते हैं तब हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिखता है और जब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो हमें उसका व्यू मिलता है, लेकिन बीच में जब हम प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे होते हैं उस वक्त हमें सिर्फ सफेद प्रकाश दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रकाश की स्पीड इतनी तेज होती है कि सारे रिफ्लेक्शन खत्म हो जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। मान लो प्रकाश का फोटोन कण भी अगर देख सकता तो वो जहां से पैदा हुआ है और जहाँ उसका अंत होगा ये दोनों स्पॉट ही देख पाता, वो बीच में कुछ भी नहीं देख सकता था। मतलब अगर प्रकाश का फोटोन कण हमारे सूरज से उत्पन्न हुआ है तो वो सूरज पर खुद की उत्पत्ति देख पाता, और अगर वो पृथ्वी पर टकरा कर नष्ट हो जाता है तो वो अपना अंत देख पाता। लेकिन स्पीड बढ़ाकर प्रकाश की गति पा लेने के बाद वो उस गति से कुछ भी नहीं देख पाता, क्योंकि लगभग 2,99,792 किलोमीटर/सेकंड की रफ्तार से सब कुछ ब्लाइंड हो जाता है। चाहे फोटोन का कण करोड़ों साल पुराना क्यों ना हो, चाहे उसकी उत्पत्ति दूर कहीं गैलेक्सी में हुई क्यों ना हो, फिर भी वो अपनी शुरुआत और अंत को ही देख पाता। बीच के लाखों साल के सफर में क्या आया क्या गया कुछ भी नहीं देख सकता है, लेकिन हमें देखना है कि प्रकाश की गति पर चलने पर वो एक्सेलरेशन लेने के बाद उस स्थिति में क्या होता है, क्या दिखता है, किस तरह के नजारे हमारे सामने आते हैं। मान लो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाती है कि उन पावरफुल कैमराज से हम प्रकाश की गति पर जो कुछ भी हो सकता है वो देख सके तो क्या दिखेगा। चलो अब वीडियो की असली शुरुआत करते हैं। पहले आपने जो कुछ भी देखा वो सब नेचुरल था, अगर आप किसी तरह प्रकाश की गति पा ले तो वही दिखेगा जो मैंने पहले बताया, लेकिन ये सब बातें थ्योरी और कैलकुलेशन पर आधारित है। तो अब हम पृथ्वी से निकलते हैं और अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, और जैसे ही हम प्रकाश की गति को पा लेंगे उस स्थिति में जिंदा रहने की संभावना बहुत ही कम बचती है, क्योंकि अंतरिक्ष के वैक्यूम में घूमने वाले कुछ माइक्रो पार्टिकल भी जो आमतौर पर हमारे शरीर को छुए तो हमें पता भी नहीं लगता और ये हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर हम प्रकाश की गति पर हो तो वो हमसे बुलेट के स्पीड से भी करोड़ों गुना ज्यादा स्पीड से टकराएगी और हमारे शरीर का चिथरा उड़ा देगी। ये होती है लाइट की स्पीड। मान लो अगर हम इस परिस्थिति में भी जिंदा बच जाते हैं तो बाहरी दुनिया का समय तो अपने टाइम पे चल रही होगी, लेकिन आपके लिए समय रुक जाएगा। आप लाइट की स्पीड से यात्रा करोगे और बाहर की दुनिया आपके मुकाबले बहुत ही तेज गति से भविष्य में मूव कर रही होगी। आपके लिए कॉज और इफेक्ट सेम टाइम पे होंगे, मतलब आप एक ही समय पे कारण और उसके रिजल्ट को देख पाओगे, मतलब आप किसी तारे का जन्म या मृत्यु दोनों देख पाओगे। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रकाश की गति पे चलने पर यही सब दिखाई देगा और स्पीड ऑफ लाइट का आप दो ही डायमेंशन को महसूस कर पाओगे। आपके आंखों के सामने तो अल्ट्रा वायलेट चीजें दिखेंगी, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि आप फोटोन की कण की स्पीड से
यात्रा कर रहे होंगे, चीजें आपको बहुत ही अजीब दिखेंगी और आप प्रकाश के फोटोन के कणों को भी अपने साथ गति करते हुए महसूस कर पाओगे। ये तो हुई प्रकाश की गति से चलने की बात, लेकिन मान लो आप प्रकाश से ज्यादा गति से यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे हो तो क्या दिखाई देगा। वैसे तो हम देख ही प्रकाश की वजह से पाते हैं, अगर हम ही प्रकाश की गति से ज्यादा तेज दौड़े तो चीजों को देख पाना ही असंभव है। आम इंसान के लिए इस स्पीड से चलने की कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। फिजिक्स के पास इसका भी जवाब है। हम अपनी दुनिया में प्रकाश की स्पीड से बहुत ज्यादा कम रफ्तार से सफर करते हैं, इसलिए हम कॉज के बाद इफेक्ट को देखते हैं। यानी कि हम बाप को पहले देखते हैं, उसके बेटे को उसके बाद जन्म लेते हुए देखते हैं। स्विच पहले ऑन करते हैं और फैन बाद में ऑन होता है। और प्रकाश की गति से सफर कर रहे हो तो आपको सारी कॉज एंड इफेक्ट एक साथ दिखेंगे, लेकिन प्रकाश की गति के रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से यात्रा करने पर आपको इफेक्ट पहले दिखेंगे और कॉज बाद में। सापेक्षता के सिद्धांत के बाद आपको प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेजी से चलने पर फल पहले दिखेगा और कारण उसके बाद। मतलब आप बाप के जन्म से पहले बेटे का जन्म को देख पाओगे, टीवी पहले चालू होगा और स्विच बाद में, किसी की मृत्यु पहले दिखेगी और जन्म बाद में। इस स्पीड से समय रिवर्स हो जाएगा। हम प्रकाश की रफ्तार से भी यात्रा नहीं कर सकते तो उससे तेज चलने की बात ही छोड़ दो, क्योंकि प्रकाश की रफ्तार पर समय खुद स्लो हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।